हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन एंड फार्मिंग सिम्युलेटर 22 के 100 मिलियन चैलेंज के एक और गेम में आपका वेलकम है। तो यहाँ पर हमारा 100 मिलियन चैलेंज चल रहा है, जहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्शन चेन के जरिए पैसे कमाते हैं। तो लास्ट गेम पे हमने बनाई थी चॉकलेट, हमने चॉकलेट फैक्ट्री लगाई थी, तो आज हम बनाएंगे केक। तो केक बनाने के लिए हमको काफ़ी कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए जो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि हमको चाहिए होता है, मैं ना एक बार फैक्ट्री में जाकर देख लेता हूँ। अभी कहाँ पर है ये रही फैक्ट्री हमारी, यहाँ पर होगी ये रही, बिल्कुल केक, ये रहा केक। तो हमारे पास केक और फैक्ट्री तो ऑलरेडी लगी है, तो हमको नई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे अगर हम चाहें तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि ब्रेड वगैरह जो है उसमें ब्रेड बन रहा है, लेकिन मैं वहीं पर बनाऊँगा एक ही फैक्ट्री में, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो वहीं पर ब्रेड बना लेंगे, वहीं पर हम अपना केक भी बना लेंगे, ठीक है। तो केक बनाने के लिए चाहिए होगा हमको फ्लावर, यानी कि आटा जो हमारे पास ऑलरेडी है, बहुत सारा है। दूसरा चाहिए होगा हमको शुगर, तो वो भी हमारे पास है। तीसरा हमको चाहिए मिल्क, तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। एंड उसके बाद चाहिए होगा अंडे, तो अंडे यानी एग्स जो है यार, उसका थोड़ी दिक्कत है, हमारे पास अभी मुर्गियाँ नहीं हैं, तो वो हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद चाहिए हमको बटर, तो बटर के लिए हमारे पास फैक्ट्री तो है, लेकिन फ़िलहाल बटर हमने बनाया नहीं है, तो वो भी हमको बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमको चाहिए है स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉबेरीज के लिए मेरे पास ग्रीन हाउस तो है, ये देखो वो सामने लगा हुआ जहाँ पर मैं अभी आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उसमें ना पानी नहीं है। एक्चुअली मैंने उसमें दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, लेकिन पानी मेरे को कहीं मिला नहीं, तो पानी के लिए मुझे लगानी पड़ेगी एक टैंकी, यहाँ पर जाकर कंटेनर में होती है शायद, ये रही कंटेनर में। तो यहाँ पर वैसे ना पानी खरीदना पड़ता है, ये बड़ा गलत काम है, मतलब पैसे लगते हैं इसके, लेकिन फिर चलो जो भी है, हमको तो पानी चाहिए ही है, तो खरीद लेते हैं। आई होप ज़्यादा महंगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा इन्होंने सिस्टम क्यों बनाया कि पानी को खरीदना पड़ता है। पानी तो यार फ्री होना चाहिए ना, पानी का कहाँ सिस्टम है खरीदने का। FS19 में तो यार पानी फ्री होता था, लेकिन इसमें पानी हमको खरीदना पड़ता है। तो ये है हमारा ग्रीन हाउस, इसके पास ही मैंने लगा लिया है। तो ये ग्रीन हाउस जो है वो नॉर्मल ग्रीन हाउस नहीं है, इसमें हमको सीड एंड सॉलिड फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, उससे तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने ये वाली जो है फैक्ट्री लगाई है। तो फिलहाल आई थिंक पानी इतना बहुत है ना। अच्छा, एक एडिशनल टैंकी भी होती है इसमें, वो साइलो एक्सटेंशन में मिलेगी, ये वाली नीले रंग की, इसको अगर हम इसके पास से लगा देना कहीं पे, यहाँ थोड़ा साइड में, ताकि अटके नहीं, तो ये इस चीज़ को काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो चलो, इतना ही पानी बहुत है फिलहाल हमारा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो जो मैंने लगाई है ना, उससे हमारी टैंकी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये फ़ायदा होता है उसका। आई होप अभी सच में बड़ी हो गई होगी, तो चलते हैं। तो पानी मैंने दे दिया, अभी इसके अंदर चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। कहाँ से होगा, ये तो ओपन ही नहीं हुआ, आई होप ये हो जाएगा अबे। अच्छा, मैं गलत बटन दबा रहा था, गेट ओपन करना था ना, मैं बटन गलत दबा रहा था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी, ये वाली। तो इसमें हमारे 64 लीटर पानी लगेगा, 6 लीटर लगेगा सीड, एंड 3 लीटर लगेगा सोलिड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इससे हमारा बनने लग जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो आई होप इसकी स्पीड अच्छी तेज़ होगी, जल्दी से स्ट्रॉबेरी हमारी बन जाए। तो चलते हैं फिलहाल, तो यहाँ से अपना लेकर इधर से बचते बचाते चल जाते हैं। तो अभी ठीक है, ये हो गया। अभी हमको चाहिए होगा अंडे, अंडे के लिए मुर्गियाँ चाहिए होंगी, तो मुर्गियों के लिए मैंने खाना तो थोड़ा बाय कर लिया है, लेकिन उसके लिए हमको वो लेकर आना पड़ेगा एक्चुअली। आई होप इसके साथ हमारा काम बन जाएगा, ये जो फोकलिफ्ट है मेरी, तो उसको लेकर चलते हैं, एंड मुर्गियों का खाना लेकर आते हैं, फिर आकर मुर्गियाँ खरीद लूँगा, मैंने अभी तक खरीदी नहीं है। तो एंड साथ के साथ एक काम और भी करना था, बटर हमको चाहिए होगा अपनी मुर्गियों को खिलाने के लिए। अरे यार, मुर्गियों को नहीं, मतलब आपको पता है ना, बटर भी चाहिए होता है चीज़ बनाने के लिए। अरे क्या बनाना है यार, मुझे केक बनाना है, हाँ केक। तो केक बनाने के लिए हमको बटर भी चाहिए होगा, तो बटर फिर हमारे लिए फैक्ट्रियाँ तो है हमारे पास दो तीन ऐसी जो बटर बनाती हैं, जैसे एक तो ये है, वो देखो जहाँ पर हमने चॉकलेट बनाया था लास्ट गेम प्ले में, तो ये जो चॉकलेट वाली फैक्ट्री है, इसमें भी बटर बन सकता है, लेकिन मैं इसमें बटर नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के लिए है, इसमें सिर्फ हम चॉकलेट बनाएंगे। एंड ये रही हमारी केक बनाने वाली फैक्ट्री, जहाँ पर ब्रेड बन रहा है, एंड ये है हमारी चीज़ फैक्ट्री, तो यहाँ पर हम बटर बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बटर की प्रोडक्शन एक्टिव कर देता हूँ, कहाँ से होगी ये रही। तो
तो मैं चीज़ को फिलहाल बंद कर देता हूँ एंड बटर को एक्टिव कर देता हूँ, तो बटर बनना अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो चीज़ क्योंकि हम हमारे वैसे तो चीज़ अपने पास काफ़ी हुई पड़ी है, इनको सेल भी करना है, पैसा काफ़ी कमा सकते हैं हम इससे, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि चीज़ से हमारे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो है वो है बटर, क्योंकि बटर से हमको केक बनाना है, तो इसलिए मैंने फिर जो है चीज़ को फ़िलहाल कर दिया बंद। तो ये है हमारे 4 पैलेट जो मुर्गियों का खाना मैंने ख़रीदा था, आई होप अभी उससे उठ जाएगा। कई बार ना ज़्यादा वज़नदार होने की वजह से उठता भी नहीं है, एंड ये क्या चारों में एक बार में उठा सकता हूँ? ट्राई करते हैं, अंदर से दिखता है। अरे अंदर से तो कुछ नहीं दिख रहा, इधर से देखते हैं थोड़ा सा। चल 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 चल, ये बड़ा ही नाजुक सा काम होता है, बड़ा ही संभल संभल के करना पड़ता है। हो तो गया, मुझे लगता है दो ही उठेंगी एक बार में। नहीं यार, दो ही उठेंगी, चलो दो ही उठा लेते हैं, हमसे नहीं उठ रही ज़्यादा तो। अबे उठ रही थी तो, नहीं, दो ही उठेंगी, चलो ठीक है, दो ही बहुत हैं। चलो चलते हैं इसको लेकर, तो फटाफट से मैं इसको लेकर चलता हूँ मुर्गियों के पास, उनको खाना देता हूँ। वैसे मुर्गियों के खाने का भी मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा यार, ये पैलेट तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन फिलहाल वैसे ये काफ़ी रियलिस्टिक तरीका है। देखो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है चिकन फीड, ऑर्गेनिक चिकन फीड, तो सही तरीका तो यही होता है मुर्गियों के लिए खाना खरीदो, क्योंकि रियल लाइफ में भी आप खरीद कर ही लाते हो। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, अभी हमारे यहाँ भी आसपास में हैं उस मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म, तो वो भी खाना खरीद कर ही लाते हैं। हालांकि उनकी खुद की खेती भी है, खेती भी वो करते हैं खुद की, उनकी गेहूँ चावल की फसलें होती हैं, लेकिन वो मुर्गियों को नहीं खिलाते, वो सिर्फ वो उसको बेच देते हैं, एंड मुर्गियों के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक खाना ही लाते हैं, यू नो, क्योंकि वो एक स्पेशल खाना जो होता है वो फिर अच्छा, यू नो, हाई उनके लिए बेहतर होता है, मुर्गियों के लिए, उसको खाकर वो बेहतर, यू नो, रिप्रोडक्शन वगैरह करती हैं, अंडे उंडे ज़्यादा देती हैं, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम उनको ऑर्गेनिक खाना उनके लिए जो होता है वही दें, तो इसलिए मैंने भी यही खरीदा है। लेकिन ये गेम है भाई, तो गेम में यार चल जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप वैसा ही करो जैसा रियल लाइफ में होता है। फिलहाल मैंने ये ट्राई किया है शुरू में, लेकिन मुझे लगता है ये मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा भी है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा खरीद कर लाया हूँ मैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, आपको पता ही है मेरे पास किसी फील्ड में भी। हाँ ये देखो जाने लगी अंदर, अरे मैं कहाँ फंस गया, निकल गया। ये देखो जा रही है अपना मुर्गियों का खाना, अरे ये तो चला भी गया, तो मैं फटाफट से मुर्गियाँ खरीद लेता हूँ। कितनी खरीदूँ? खरीदूँगा तो मैं बड़े वाली, ताकि वो डायरेक्टली आकर अंडे प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो 120 खरीद लूँ, चलो 180 खरीद लेता हूँ, फिर वो डबल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो 180 मुर्गियाँ हो गई, एंड खाना मैंने उनको दे दिया है, तो अभी मैं टाइम को कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट, इधर से कर देता हूँ 120 की स्पीड पे कर देता हूँ। तब तक मैं ऐसा करता हूँ जाकर उनके मुर्गियों का जो और खाना मैंने ख़रीदा हुआ है वो भी लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखें, इसमें कोई पैलेट नहीं, अब तक तो बना नहीं है, लेकिन अच्छी खासी स्पीड पे पैलेट बन रहा है, देखो। अरे रात हो, अरे यार ये तो अंधेरा होने वाला है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर लेकर आऊँगा मुर्गियों का खाना, अभी तो मैं सो ही जाता हूँ। अरे ये देखो अपनी मुर्गियों ने तो अंडे प्रोड्यूस करना शुरू भी कर दिया, हालांकि ये तो सिर्फ 5 लीटर ही है, लेकिन जो भी है मुर्गियों ने खाना तो शुरू किया, खाना शुरू किया एंड अंडे देना भी शुरू कर दिया। तो मैं सुबह 6 बजे जल्दी उठ जाता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं उठूँगा, क्योंकि लेट उठने से कहीं नुकसान भी हो सकता है, कहीं मेरी मुर्गियाँ भूख से मरी ना जाएँ, खाना ना ख़त्म हो जाए ना उनका। ठीक है, 6 बजे मैं उठ गया, तो अभी चलते हैं। अरे मेरा डोगी भी है, इसको खाने नहीं दिया मैंने, कई दिन हो गए, इसको खाना दे देते हैं थोड़ा। आजा भी आजा, इसका नाम देखो क्या रखा है इन्होंने, लिंक क्लोल, ये मैंने नहीं रखा, इन्होंने ही रखा हुआ है, कहाँ गया, ये आ गया। चलो अभी खा ले खाना, मैं तब तक मुर्गियों को देखता हूँ। अरे ये अंडे वहीं अटके हुए हैं, आगे बढ़े ही नहीं, 394 लीटर हो गया है अंडे। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ, अरे ये देखो यहाँ पर पैलेट ही पैलेट,
दो पैरेट आ चुके हैं, 250 लीटर, 2,50,000, 2,500 लीटर का, सॉरी, एक पैरेट है ये। आप देख सकते हो नीचे मास इसका है 100 kg, एंड इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो है 250, 2,500 लीटर, ठीक है, 250 ही मुँह से निकल गया मेरे। तो इनका खाना कितना को रह गया है? खाना तो अभी काफ़ी पड़ा यार, मुझे लगा ये जल्दी ख़त्म कर देंगे खाना, लेकिन है अभी तो काफ़ी है। तो मैं चलता हूँ फटाफट से, एंड मुर्गियों का खाना एक बार इनको मैं और दे देता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं एक तो दिन और आगे कर दूंगा, तब तक हमारे पास सारा प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है अपने केक बनाने का रेसिपी जो है, प्रोडक्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद फिर। तो चलो यार, मैंने सारा कुछ जो है करना था वो कर दिया है, मुर्गियों को जितना को खाना देना था, एंड थोड़ी मुर्गियाँ मैंने और ख़रीद ली हैं एक्चुअली, वो काफ़ी स्लोली स्लोली मतलब अंडे प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ मुर्गियाँ और ख़रीद ली हैं। एंड इसी देर में, इतनी देर में मतलब अपने ये देखो 3 पैलेट्स आ चुके हैं इसके, तो ये 2,500 लीटर का एक है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि एक मोड में लगाया हुआ, जिस वजह से सारे पैलेट की लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मली ये पैलेट जो होते हैं स्ट्रॉबेरी टमाटो लेटस, ये 500 लीटर का एक होता है, लेकिन उस मोड की वजह से ये 2,500 लीटर का एक है। तो 3 पैलेट आ गए हैं, तो अभी मैंने इसकी प्रोडक्शन जो है उसको मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ढेर लग जाए स्ट्रॉबेरीज के पैलेट का। तो जितनी की ज़रूरत होगी हम उतने को यहाँ से मतलब प्रोड्यूस कर लिया करेंगे, एंड बाद में उसको वहाँ जाकर दे दिया करेंगे। तो 3 पैलेट यानी कि 7,500 लीटर हो जाएगा, एंड इतनी को ही लिमिट है जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं 7,000 लिमिट है कि 5,000, इतनी को ही लिमिट होती है अपने बेकरी की, कम होती है, पता नहीं क्यों ऐसा इन्होंने बना रखा है, लेकिन बेकरी की लिमिट बहुत कम है, लिमिट मतलब कैपेसिटी होती है, जो अगर वहाँ पर आपको सामान कोई मतलब स्टोर करना है या सेल करना है तो वो सिर्फ 7,000 लीटर ही होता है। अंडे यार देखो बहुत ही कम हुए हैं, थोड़ा सा टाइम में अगर और फास्ट करूँ तो उतनी देर में शायद थोड़े अंडे और प्रोड्यूस हो जाएंगे। कितना गौर करूँ यार, टाइम फिर अंधेरा भी होने लग जाएगा, 2, 3 बज गए हैं, नहीं 2 बजे, चलो यार रहने देता हूँ ज़्यादा फिर इतना को, ठीक है। एक बार अपना केक का एक पैलेट बन जाए ना, मैं आपको एक केक का पैलेट दिखा दूँ। वैसे तो आपने देखा होगा कभी ना कभी, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी बहुत समय पहले, जब गेम नई नई रिलीज हुई थी तब बनाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था केक कैसे बनता है, एंड उसके अलावा किसी और यूट्यूबर का भी आपने देखा ही होगा। तो चलो यार, अभी हम थोड़े से शुगर के पैलेट ले लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताई है कि शुगर भी चाहिए होता है, एंड वैसे भी शुगर तो आपको पता ही है, शुगर यानी कि मीठा, चीनी, तो चीनी तो चाहिए ही होगी बनाने के लिए केक, केक क्योंकि मीठा होता है, तो केक में एडिड शुगर होती ही है, तो शुगर तो चाहिए ही होगी। तो यहाँ से एक पैलेट और उठा लेते हैं, तो 5,000 लीटर का एक, यानी कि ये हो गई 2 पैलेट 10,000 लीटर के, तो 2 पैलेट बहुत है, तो चलते हैं इसे लेकर, एंड फिर देखते हैं कितने हो जाते हैं। एक बार तो बटर ले ही आता हूँ, चलो लगे आता, पहले बटर का भी पैलेट ले आता हूँ, एक पैलेट अच्छा 2 हो गए, ठीक है ठीक है भाई, पहले एक ही था लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत टाइम और आगे कर दिया तो इतनी देर में 2 हो गए, तो ये भी 5,000 लीटर का एक है, एंड हाँ 5,000 लीटर का एक है, तो ये भी दोनों ही ले लेता हूँ फिर मैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है बाकी सारा सिस्टम तो अपने पास जो है वो हो जाएगा पूरा, जितना हमको चाहिए है, लेकिन अंडे ही कम पड़ेंगे मुझे लगता है, हालांकि अंडे यूज भी कम होते चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों सिस्टम, अंडे कम यूज होते होंगे ना, वैसे मैंने तो देखो केक कभी बनाया नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए केक मैंने खाया तो है, केक में अंडे, वैसे मैंने अंडे वाला केक नहीं खाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं केक जब खाया है या केक या पेस्टीज वगैरह मैंने खाई भी हैं, मैंने एक बार अपने बेटे के बर्थडे पे लाया था केक, तो एक्चुअली क्या होता है मैं बिना अंडे वाला लाया था तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो अंडा यार थोड़ा ही डलता होगा, ज़्यादा तो केक के अंदर क्रीम होती है, एंड वो होता है फ्लोर शायद होता है, चीनी चूनी होती है, चलो पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता यार केक का सिस्टम क्या है। चलो जो भी है, अभी इस गेम के सिस्टम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तो इस गेम का सिस्टम यही कहता है कि हमको अंडे जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये देखो यार, मैंने कहा था ना 7,000 लीटर ही इसकी लिमिट है, तो 500 लीटर का अपना जो है स्ट्रॉबेरी वो बच गई, एंड ये देखो 3,000 लीटर अपना बच गया है, हाँ देखो 3,000 लीटर बटर बच गया, एंड 3,000 लीटर ही अपना शुगर भी बच गया, बस अंडे ही ऐसे हैं जो सारे सारे चले गए क्योंकि अंडे है ही थोड़े से थे। तो अभी हम चलते हैं इस ट्रैक्टर में, एंड दूध लेकर आते हैं, मिल्क, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट ऐसा रह गया जो हमको चाहिए होगा केक बनाने के लिए। अपनी काउज ने मिल्क तो काफ़ी प्रोड्यूस किया होगा, आई थिंक 10,000 लीटर हो जाए तो बहुत है, वैसे हमको 7,000 लीटर ही चाहिए होगा फिलहाल के लिए,
लेकिन लगे आप मैं ले जाऊंगा जितना को प्रोड्यूस इन्होंने किया होगा, देखते हैं। बस नो यार, तो चलो यार दूध भी मैं ले आया हूँ तो इसको यहाँ पर डिलीवर कर देते हैं फटाफट से। क्या हो गया ये, चलो ये रहा अपना ट्रिगर। तो चलिए गाइस इसी के साथ अपने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, तो अभी हमारा टाइम आ गया है इस केक बनाने का, तो इसको कर देते हैं हम एक्टिव एंड इसी के साथ अपना केक बनना हो जाएगा शुरू। ब्रेड को बंद ही ना कर दूँ, चलो देखता हूँ फिलहाल, देखता हूँ कितनी कुछ स्पीड में बनता है ये, उसके बाद देखते हैं। तो ये बचा हुआ दूध यहाँ पर दे देते हैं अपनी डायरी पे, यहाँ पर चीज़ बनता है, चीज़ एंड बटर भी बनता है, अभी तो हम बटर भी बना रहे हैं तो चीज़ एंड बटर दोनों यहीं पे बन जाएगा। तो हम चलते हैं वापस अपनी बेकरी में। मुझे लगता है टाइम को थोड़ा फास्ट करने के बजाय हम ऐसा करते हैं, हम एक दिन स्किप कर देते हैं, एक रात स्किप कर देते हैं बेसिकली, एंड सुबह उठ के देखेंगे फिर। तो चलो यार, मैंने ब्रेड की प्रोडक्शन जो उसको मैंने बंद ही कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेड जो है वो हमारे केक की प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो ना कर दे कहीं। तो बेहतर यही होगा कि मैंने अपने सारे बेकरी वाले अपने जो वर्कर हैं उनको मैंने कह दिया कि तुम सारे मिलकर केक बनाओ, ब्रेड बनाना बंद कर दो। तो इसलिए अभी ब्रेड नहीं बनेगा, अभी सिर्फ केक बनेगा। एंड यहाँ पर आइस अपना पहला पैलेट केक का आ चुका है। अरे वाह यार, ये देखो कितना खूबसूरत है। एंड उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज देखो कितनी बढ़िया, ऊपर से इसको गार्निश कर रखा है ऊपर से, है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया स्पेस स्पेस सा है ये। तो अभी मुझे लगता है टाइम को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, ताकि यहाँ पर यार मटेरियल मिसिंग आ रहा है मुझे लगता है। हाँ ये देखो अंडे ख़त्म हो गए हैं। ओहो, ये अंडे वाला भी पंगा कैसे अभी किया जाए। चलो मैं ले आता हूँ अंडे, थोड़े बहुत तो अपनी मुर्गियों ने ओवरनाइट प्रोड्यूस किए ही होंगे, क्योंकि रात हमने एक स्किप की थी तो सुबह अभी हो गई है, तो इतनी दौरान में काफ़ी सारे अंडे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो प्रोड्यूस किए होंगे मुर्गियों ने, तो ले आते हैं। एंड उतने में अपना जो है प्रोडक्शन जो है कम से कम वो तो स्टार्ट होगी। ये देखते हैं एक मिनट देकर। हाँ स्ट्रॉबेरी चली, नहीं सारी नहीं गई, तो सारे प्रोडक्ट थोड़े थोड़े चले गए हैं। चलो ये इसके ऊपर ही पड़े रहेंगे, इनको फिर हम जैसे जैसे ख़त्म हो गए वैसे वैसे मैं देता रहूँगा। तो फिलहाल तो अंडे लेकर आते हैं, एंड आज फिर सेल भी करना है मुझे केक, मैं आपको केक सेल करके भी दिखाऊंगा ही, हालांकि इसमें कुछ अलग तो होने वाला नहीं है, सेल करना है हमने उसको, सेलिंग स्टेशन पे लेकर जाएंगे एंड वो सेल हो जाएगा, बस कहानी ख़त्म। लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखाना तो चाहूँगा मैं कितने का बिकता है एक पैलेट, तो आगे चलकर हमें कितना को प्रॉफिट होगा इससे। एंड हमारा चैलेंज चल रहा है 100 मिलियन का, एंड वहाँ पर अपना रोबोट जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद परी काउच को खाना खिला रहा है, तो उसको लगा रहने देते हैं। रोबोट का बड़ा अच्छा सिस्टम है यार, ये अगर रोबोट वाला सिस्टम ना ना होता फिर मेरे को बड़ा पंगा रहना था, इनको रोज़ रोज़ काउच का पंगा भी करना पड़ना था। अभी तो मैंने उनको डायरेक्ट जो है रोबोट के हवाले कर रखा है, रोबोट जो है रोज़ उनको खाना देता रहता है एंड मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो वहाँ पर सारे सामान जो है उनको डिलीवर करता रहता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पड़े हैं वहाँ पे। तो चलो यार अंडे मैं ले आया हूँ, इनको यहाँ दे रहे थे, काफ़ी हो गए वैसे, मुझे लगा था यार थोड़े ही हैं, लेकिन 1575 लीटर मुझे लगता है बहुत हैं एक वक्त के लिए। एंड ये जा क्यों नहीं रहे हैं, मुझे लगता है नीचे उतर के देना पड़ेगा इसको। एक मिनट, इसको करते हैं अनस्ट्रैप एंड ये इसको फेंक देते हैं। चलो चला गया गाइस सारा। तो अभी अपना प्रोडक्शन तो मैंने बंद नहीं किया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ प्रोडक्शन चालू है, तो अंडे ठीक है 1575, बाकी सब तो ग्रीन ही है, बस अंडे ही जो है थोड़े से भी रेड एरिया में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर अपना पैलेट है, तो चलो फिर इसको बेचने चलते हैं, इसको इसके ऊपर मैं रख देता हूँ अच्छे से। तो ये बाकी सामान का क्या करें, चलो इनको बेच ही देता हूँ यार, वैसे भी अपने पास कमी तो है नहीं किसी चीज़ की, शुगर भी बहुत है अपने पास, बटर भी बहुत है, तो मैं लगे ये ब्रेड ब्रूड भी बेच आता हूँ, क्योंकि एक पैलेट केक का मैं बेचने गया तो सामने दुकान वाला भी हंसेगा, कहेगा यार क्या यार बंदे हो तुम, कभी तो तुम इतने भर भर के सामान लाते हो, शुगर के पैलेट भर भर के, क्लोथ के पैलेट लाते हो, आज सिर्फ एक पैलेट केक का लेकर चले आए, क्या आदमी हो यार तुम। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको ब्रेड ब्रूड भी इसके ऊपर थोड़ी लोड करके ले जाते हैं, तो फिर मैं फटाफट करता हूँ यार लोड इसको एंड फिर चलते हैं बेचने के लिए, देखते हैं कितने को बिकता है। तो चलो यार ब्रेड तो मैंने जितने पैलेट थे सारे लोड कर लिए हैं, एंड ये अपना एक बटर का पैलेट है तो इसको भी मैं लगे हाथ लोड कर लेता हूँ, एक ही था तो मैंने सोचा यार इसको भी ले ही जाता हूँ, सेल कर देते हैं बटर को, क्योंकि जब तक हमें ज़रूरत पड़ेगी और बटर की तब तक हमारे पास और बटर आ ही जाएगा, हमारी डायरी जो है प्रोड्यूस करी देगी। वैसे मैं चीज़ का भी सोच रहा था, लेकिन चीज़ का प्राइस थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो बेहतर होगा कि इसको हम अच्छे प्राइस के टाइम पर ही बेचें,
फिलहाल चेक करते हैं हमारे ब्रेड का प्राइस। तो ब्रेड का प्राइस अच्छा है, हिकोरी वैली सेल ऑल पे। अच्छा, ये तो यहीं पास में ही है, लेकिन हमें केक भी बेचना है, तो एक केक का प्राइस भी चेक कर लेते हैं। केक का प्राइस रेस्टोरेंट 11,012। ठीक है, तो मतलब अरे ये ब्रेड तो रेस्टोरेंट पे बिकते ही नहीं है। मुझे लगा रेस्टोरेंट में दोनों चीज़ें बेच दूंगा, लेकिन ये तो सिस्टम थोड़ा गलत हो गया यार। ये रेस्टोरेंट पे, चलो मैं ऐसा करता हूँ, पहले केक बेच आता हूँ रेस्टोरेंट पे, तो ब्रेड तो अपना वहाँ बिकेगा ही नहीं, तो रेस्टोरेंट पे केक बिक जाएगा। एंड वैसे अजीब चीज़ है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट पे तो यार खाने के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे केक तो होता ही है, लेकिन ब्रेड भी तो होता है। हाँ, वैसे कई रेस्टोरेंट वाले नहीं रखते ब्रेड, ये शायद वही रेस्टोरेंट वाला है जो ब्रेड रखता नहीं है। ब्रेड नहीं रखते, समोसे नहीं रखते, ऐसी चीज़ें नहीं रखते कई रेस्टोरेंट वाले, अलग अलग सिस्टम है। तो इस बंदे को हम नीचे से फिसा देते हैं, नीचे कुचल देते हैं। तो चलते हैं फटाफट से केक सेल करने। तो ये आ गया अपना केक का सेलिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखो, एक जनानी आ रही है, लेडी जा रही है एक, तो ये केक खा लेगी। हम इसको फटाफट से सेल कर देते हैं यहाँ पर। 2,000 लीटर का पायलट है, तो 1,000 का 11,000, तो मतलब 22-23,000 रुपये का बिक ही जाएगा अपना। एंड यहाँ पर बटर भी सेल हो गया मुझे लगता है अपना। तो देखते हैं टोटल कितने का बिक गया है, 27,731। तो ठीक है, मुझे लगता है 22,000 का तो अपना केक बिक गया होगा, एंड बाकी 4-5 हज़ार का शायद बिक गया होगा अपना बटर। बटर यार इतना सस्ता तो नहीं बिकना, आई थिंक बटर का जो छमोल पैलेट था वो बिक गया। एंड ये देखो, ये बड़ा पैलेट तो अभी बिका ही नहीं, ये बड़ी अजीब चीज़ है यार। मतलब कि छोटा पैलेट बिक गया, बड़ा क्यों नहीं? आई थिंक ये ट्रिगर से थोड़ा साइड में रह गया होगा। चलो इसको वहीं पे बेच देते हैं, इतना कोई महंगा चीज़ तो है नहीं है। तो ये आ गया अपना सेलिंग स्टेशन ब्रेड वाला, इसका नाम है हिकोरी वैली सेल ऑल। तो इस मैप का नाम है हिकोरी वैली, तो इसलिए इसका नाम भी हिकोरी वैली है। तो चलो यार इसको बेचते हैं, एंड उसके बाद फिर आज का गेम प्ले भी एंड करते हैं। एंड यार कैसा लगा आपको ये बता देना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो पहले इस पर देख लेते कितने का बिका। और क्या बात है, 3,84,000, यही तो बात है ना, यही तो फायदा है ना बड़े बड़े पैलेट बेचने का, एक ही बार में बड़े बड़े पैसे बनते हैं। तो 7 मिलियन हमारा होले माला है, तो 100 मिलियन हो जाएगा किसी ना किसी दिन। तो आज का गेम प्ले एंड करते हैं, कैसा लगा आपको यार? तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बच जाना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नए गेम प्ले के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।